Good morning gamers, welcome back to another new episode of Rough Survival. So in the last episode, हमको ये कोरोना या कैरानावा जो भी है वो island मिला था and actual में हम इस island के back side पे थे, तो अभी अपने राफ को मैं इसके front side पे लेके आ चुका हूँ and आज हम इस बड़े से island को guys explore करने वाले हैं, लेकिन explore करने से पहले I want to show you something that कि मैंने अभी हमारा जो पूरा जो fuel system है वो बना दिया है, तो अभी हमारे पास ये दो fuel tanks है and इनको मैंने pipes लगा के हर एक engine को connect कर दिया है, तो इसके अंदर बस हमको यहाँ से fuel डालना है, देन ये सारा fuel engine के अंदर जाता है and ऐसा ही same structure इस तरफ भी है, यहाँ पे भी तीन इंजिन्स है, तीन इंजिन्स को मैंने पाइप कनेक्ट करा है एंड हमारे पास दो बायो रिफाइनर्स है जिनके अंदर हम रॉ फूड डाल के ये बायोफ्यूल बना सकते हैं और ये वाला बायोफ्यूल सारा का सारा यूज होता है हमारे इंजिन्स के लिए, तो यही चीज मैंने ऑफलाइन करी थी। फिर से एक बार सारे के सारे फ्लावर्स चले गए, तो अभी यार यहाँ पे मधुमक्खियाँ नहीं आएंगी, मतलब वो जो यार पंछी होता है उसने सारे के सारे फ्लावर्स खराब कर दिए एंड यहाँ पर मैंने ये चेस्ट रखा है, यहाँ पे एक और स्केयरक्रो है उसको मैं ना वहाँ पे लगा लेता हूँ जल्दी से, बट अभी लगाने का भाई कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि भाई सारे के सारे फ्लावर्स उन पंछियों ने खराब कर दिए, तो यहाँ से मुझे जो भी सामान मिलेगा ना वो सारा का सारा मैं इसके अंदर रखने वाला हूँ, क्योंकि यार बार बार मेरे को ढूंढना पड़ता है कि भाई कौन सा सामान मैंने कहाँ पे रखा है, तो सारी की सारी चीज़ें अभी मैं इसके अंदर रख रहा हूँ एंड जो वो आइलैंड है ये कोरोना आइलैंड या कैरानावा आइलैंड, इसको एक्सप्लोर करने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत है वो मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखी है। अभी मेरे पास टोटल तीन वाटर बॉटल्स है, दो वाटर बॉटल्स को तो मैंने पहले से फिल कर रखा है एंड एक एक्स्ट्रा वाटर बॉटल भी है, इसको भी यहाँ से थोड़ा फ्यूल कर लेते हैं एंड इसके अंदर पानी भर लेते हैं एंड ये पानी मुझे स्प्रिंकलर के अंदर डालना है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, नाइस, तो थोड़ा सा पानी मैंने स्प्रिंकलर के अंदर डाल दिया एंड इसकी बैटरी, यार ये बैटरी हमेशा लो हो जाती है यार, ये स्प्रिंकलर के अंदर की बैटरी खत्म हो चुकी है तो मुझे इस बैटरी को चेंज करवाना पड़ेगा एंड यार और एक चीज, मेरे पास ना बहुत सारा ट्रैश हो रहा है तो मुझे एक ट्रैश कैन भी बनाना है ये वाला, हाँ इसके लिए प्लास्टिक स्क्रैप एंड हिंच चाहिए, ये बन गया एक ट्रैश कैन, इसको मैं कहाँ पे रखूँ, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रखवा देते हैं, तो देखो ये बैटरी अभी खराब है, इसके अंदर डाल देते हैं, तो ये में भी इसको डिलीट, हाँ गाइज ये सही है, तो मेरे पास अभी जितना भी फालतू का सामान है ना, देखो इस वाले चीज़ के अंदर कितने सारी ये बैटरीज वगैरह है, ये एरोज वगैरह है, तो उनको मैं इसके अंदर इजीली डाल के इसे डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट, तो भाई ये ट्रैश कैन बहुत सही चीज़ है, अच्छा हो भाई मैंने इसको अभी बना लिया, मतलब मुझे ना इसको पहले ही बना लेना चाहिए था, बट एनीवेज फाइनली वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लोर दिस कैरानावा आइलैंड। अभी शुरुआत करते हैं यहाँ से, ऑनियंस, वो ये ऑनियंस की बोरियाँ है, मुझे गाइस हर एक जगह को अच्छे से चेक करना पड़ेगा क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत सारी हमको चीज़ें मिलने वाली है एंड मुझे किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना, ये ओ ओपन, यस यहाँ पे ई टू यूज़ इसके अंदर, ओ ये क्या है, ओ बहुत सारा स्क्रैप मिल रहा है, नाइस गिव मी दैट, यहाँ पे भी है थोड़ा सा यूज़, ओ ये क्या है, ओ पोटैटो, नाइस गाइस, इतना सारा यहाँ पे लोहा पड़ा है कि क्या ही बताऊँ मैं, यहाँ से भी ऊपर चलते हैं, हेलो जी यहाँ पे रेंच वगैरह पड़ा है, ई टू यूज़, और थोड़ा सा सामान मिल गया, वेट अभी मेरे पास लीफ स्टोवर्स ये आ गया, ओके आई थिंक इसको मैं पी सकता हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, मुझे हर एक ड्रॉवर को चेक करना, यहाँ से भी भाई थोड़ा सा स्क्रैप एंड स्टोन्स मिल गए, वेरी नाइस, नीचे वाला नीचे के अंदर कुछ नहीं है, ओके लेट्स गो, इसको भी हमने चेकआउट कर लिया, यहाँ पे हेक्सो वगैरह है, इनको आई थिंक मैं कलेक्ट नहीं कर सकता, या ये भी देख लिया, अभी इधर से उस तरफ चलते हैं, जंप, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्क्रैप है, गिव मी दैट, ये ओपन नहीं हो रहा है, ये भी ओपन नहीं होता, इसके अंदर जाकर देखते हैं, हेलो जी, ओ इसके अंदर भी वो कोकोनट था, तो खाने की चीज़ें भी हमको यहाँ से इजीली मिल जाती है, ई टू यूज़, ई टू यूज़, ओके ये खाली ड्रावर से ऊपर वाले, तो ये जगह मैंने चेकआउट कर ली, अभी एक रास्ता इस तरफ जा रहा है ऊपर, भाई कितने सारे रास्ते, सीरियसली समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ पर जाऊँ, ई टू यूज़, ओके इसमें इसके अंदर कुछ नहीं है, लेट्स गो यहाँ पे देखते हैं, वो ये आधा टूटा पड़ा है भाई, इसके अंदर मैं यहाँ से घुस सकता हूँ, नहीं नहीं सामने से जाना पड़ेगा आई थिंक, हाँ यहाँ से, अबे कहाँ से जाना है, हेलो हाँ ऐसे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा डेफिनेटली, ई टू यूज़, हेलो कुछ तो है, हाँ थोड़ा सा स्क्रैप है, मुझे बीच बीच में खाना खाते रहना पड़ेगा, प्लास्टिक है एंड एक नोट है, ओ साइंटिस्ट का जर्नल है, जंप जंप जंप, ओके ये मे भी किसी टॉवर की तरह लग रहा है मुझे, ओ हेलो कहाँ से अंदर कहाँ से जाना है, ये क्या है भाई, एक झंडा है यहाँ पे, इसके अंदर जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसको तो चारों तरफ से भाई बंद कर रखा है, हेलो रिक्वायर्स थ्री जिपलाइन पार्ट,
ओके, ये जिपलाइन पार्ट्स क्या होता है? एक रास्ता इस तरफ जाता है, तो मुझे सबसे पहले 3 जिपलाइन पार्ट्स फाइंड करने हैं, तभी मैं ये जो लाइन्स है इनकी मदद से वो अलग अलग टावर्स पे जा सकता हूँ। तो अभी मुझे 3 जिपलाइन पार्ट्स फाइंड करने हैं। भाई कहाँ पे जिपलाइन पार्ट्स? थोड़ा सा स्क्रैप है यहाँ पे, कुछ है और ई टू यूज़, थोड़ा सा खाना है यहाँ पे। वो एक ड्रावर है और थोड़ा सा। गाइज, अंधेरा ना बहुत ज़्यादा हो चुका है और मुझे यहाँ पे डर लग रहा है, सीरियसली कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक रास्ता, पिक अप बैटरी पार्ट। ओके, तो 3 में से आई थिंक मुझे एक पार्ट मिल चुका है। या बैटरी पार्ट मिल गया हमको। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है यू नो मैं किसी झोपड़पट्टी में आया हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे बस हर जगह पे सेम ही चीज़ें मिली जा रही है। अभी तक बस मुझे एक ही पार्ट मिला है जो कि बैटरी का पार्ट है, और ये स्टोन वगैरह मुझे मिल रहा है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एंड आई थिंक इसको एक्सप्लोर नहीं, इसके ऊपर भी एक पार्ट है। भाई यार कितनी बड़ी जगह है। भाई बहुत सारी नई चीज़ें मिल रही, सीरियसली मेरे को ये भी खाने दो भाई। मतलब यार मेरे पास ना जगह ही नहीं है, तो सबसे पहले खाना खा लेते हैं। दुनिया भर के सूप्स मिल रहे भाई मुझे, एक और सूप पी लिया मैंने। और भाई सूप पीते पीते सुबह हो चुकी है। एंड अभी ये क्या चीज़ है भाई, गरम गरम मेरे को खाना भी मिल रहा है यहाँ पे बहुत सारा। वाओ, एंड मुझे 5 बायोफ्यूल के कैंस भी मिले। हाँ, यहाँ से नीचे चलते हैं, नीचे कुछ ना कुछ तो होगा। इसको ओपन नहीं कर सकते क्या? हाँ, आई थिंक ये पहले से ना बंद है, इसके अंदर हम आई थिंक जा नहीं सकते। इलेक्ट्रिक पार्ट, एक और गाइस मुझे इलेक्ट्रिक बैटरी पार्ट मिल चुका है, और डेफिनेटली इस इलेक्ट्रिक पार्ट से कुछ ना कुछ बनने वाला यहाँ पे। एंड काफ़ी सारे बैरल्स भी है, बट ये भाई सारे के सारे खाली बैरल्स है, तो इनका कोई यूज़ नहीं है। इस तरफ भी जाके, या इस तरफ का तो भाई मैंने पहले से ही देख लिया है, तो भी यहाँ से ऊपर चलते हैं। हेलो, ये मैंने देख लिया भाई, लिटरली समझ नहीं आ रहा मैंने कौन सी जगह देखी है और कौन सी देखी नहीं है। ये भी देख लिया भाई, यहाँ से ऊपर चलते हैं। वेट गाइस, यहाँ पे एक वेल भी है। ओके, इसके अंदर भाई कुछ तो दिखाई दे रहा है मुझे, तो आई थिंक मुझे इस चीज़ को बाहर निकलना है। ओके, समझ गया। ओ, यहाँ पे भी एक पाइप का टुकड़ा है, R2 रोटेट। ओ, मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, तो मैं भी ये जो पानी है मुझे इस वेल के अंदर डालना है। ओके, समझ गया मैं, और इसका कनेक्शन और भी ऊपर तक जा रहा होगा। गाइज, वेट, समझ गया मैं, ऊपर एक और कनेक्शन जा रहा है। एक पाइप का टुकड़ा यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, एंड एक ऊपर है मे भी, तो ऊपर कुछ ना कुछ तो होगा। ई टू यूज़, तो मैंने पानी, ओ भाई देखो ये पानी नीचे तक जा रहा है, तो आई थिंक मुझे उस वेल को फिलअप करना है। ओके गाइस, समझ गया मैं, तो मुझे इस वेल को ना पूरी तरीके से फिलअप करना होगा, तभी जाके उसके अंदर जो पार्ट है वो मुझे मिलेगा। आपने सारा पानी पंप कर दिया है, अभी सीधा नीचे देखते हैं पानी इसके अंदर गिर रहा है। वेट, ये पानी यहाँ से, अरे नीचे गिर रहा है। ओके, मुझे इस पाइप का नीट मतलब डायरेक्शन ठीक से करना पड़ेगा। अरे यार, तभी मैं सोचूं कि इसके अंदर पानी फिल क्यों नहीं हो रहा है। इसको ना एग्जैक्टली मैं स्ट्रेट कर देता हूँ। हाँ, अभी पानी इसके अंदर गिरना चाहिए प्लीज़। पाइप की डायरेक्शन थोड़ी सी गलत थी, अभी इस बार थोड़ा सा और पानी पंप करते हैं। और अभी फिर से एक बार मैं ना फास्टली नीचे जाके देखता हूँ, पंप। अभी सीधा नीचे जाके देखते हैं पानी गिर रहा है। यस, गिर रहा है गाइस, फाइनली इट्स वर्किंग। OMG गाइज, फाइनली चीज़ काम कर रही है। और अभी मैं जल्दी से और ढेर सारा पानी पंप कर देता हूँ, एंड तब जाके वो वेल फुल हो जाएगी, एंड वहाँ से हमको उस जिपलाइन का एक और पार्ट मिल जाएगा। इतना पानी आई थिंक अभी इनफ है, आई थिंक वो पार्ट अभी ऊपर आ चुका होगा। आ गया भाई, फाइनली गाइज एक जिपलाइन का पार्ट मिल चुका है, तो अभी मैं जल्दी से इस पार्ट को लेके जिपलाइन की तरफ चलता हूँ। भाई फाइनली भाई पार्ट मिल गया जिपलाइन का। इसके अंदर कैसे जाऊँ मैं, अंदर जाने का रास्ता? गाइज, अंदर जाने का रास्ता था भाई, मैंने लास्ट टाइम देखा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमको 3 जिपलाइन पार्ट चाहिए, जिसमें से मेरे पास अभी एक जिपलाइन पार्ट है, एंड मुझे थोड़ा सा पानी भी पीना पड़ेगा। ये वाला हमने पूरा का पूरा पार्ट एक्सप्लोर कर लिया, अभी इस तरफ चलते हैं। ओ भाई, ध्यान से भाई, जंप, नाइस। अभी इस तरफ देखते हैं, यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है ना? यहाँ पे मुझे एक पॉड दिखाई दे रहा है। Requires 1 explosive powder. Okay. Oh, ये एक experiment है maybe. तो मुझे एक explosive powder चाहिए, और I think मेरे raft पे एक explosive powder है, तो अभी यार फिर से एक बार मुझे अपने raft पे जाना पड़ेगा। मुझे अभी एक explosive powder की ज़रूरत है, तो that's why अपने raft पे मैं वापस आ गया। एंड मुझे अपनी ना inventory भाई फुल हो चुकी है, उसको खाली भी करवाना है, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले ये पानी की बॉटल्स मैं यहाँ पे भरने के लिए रख देता हूँ। लेट्स गो। हाँ, ओके, मेरे पास जितनी भी एक्सक्लूसिव पाउडर थी ना, उसकी मैंने ये कलेक्शन नेट्स बना दी थी यार। अभी मुझे ना पफर फिश को फाइंड करके मारना पड़ेगा, तभी जाके मुझे एक्सक्लूसिव पाउडर मिलेगा।
कोई बात नहीं, अभी फिर से बार ना मैं नीचे चल लेता हूँ समंदर में एंड वहाँ पे जाके किसी पफर फिश को मारता है। 5 minutes later, पफर फिश गाइस मिल गई है, बस फूटियो मत प्लीज, क्योंकि मुझे तेरे प्लीज मर जा भाई प्लीज, फूटना मत प्लीज नहीं। ओह गाइस फाइनली पफर फिश मिल गई, वेरी नाइस एंड यहाँ पे एक नीचे पाइप जा रहा है जिससे बबल्स निकल रहे हैं। वेट, नीचे कुछ ना कुछ तो गाइस होगा। ओके गाइस, तो क्या मुझे नीचे जाना चाहिए, बट ये आई थिंक बहुत ज़्यादा गहरा है। गाइस ये पाइप बहुत नीचे तक जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ऑक्सीजन मास्क लेके आता हूँ एंड डेफिनेटली वहाँ पे भी आई थिंक मुझे एक और पार्ट मिल सकता है उस जिप लाइन का। ये चीज़ें ओके ये साइकिल जैसा कुछ तो है और यही से पाइप नीचे जा रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे भी ना मुझे आना पड़ेगा। गाइस फाइनली एक्सप्लोसिव पाउडर तैयार हो चुका है और अभी जल्दी से चलते हैं और उस चीज़ को ब्लास्ट करते हैं, मतलब वो जो भी चीज़ है उसको मुझे लॉन्च करवाना है एंड डेफिनेटली उससे मुझे एक और जिप लाइन का पार्ट मिल जाएगा। ये एक्सप्लोसिव पाउडर को अपने हाथ में लेते हैं एंड अभी इस चीज़ को लॉन्च करना है हमको। वाओ, ओ भाई ये कहाँ पे जा रहा है, ओ वहाँ पे, वेट गाइस उससे कुछ तो बाहर निकल रहा है। ओ एक सेकेंड डेफिनेटली वो एक मैकेनिकल पार्ट होने वाला है भाई, वो कहाँ पे गिर रहा है लो। ओ तो ये इसके ऊपर गिरा है, तो आउच, ध्यान से ये सबसे पहले लाइट, अरे यार मैं लाइट लेके आना भूल गया, बट एनीवेज अभी यहाँ से ऊपर चलते हैं। अरे ऊपर, हाँ वहाँ पे वो मैकेनिकल पार्ट गिरा है, मुझे उसको लेके आना है भाई, बट यार बहुत ज़्यादा अंदर है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइस ये रहा एक और जिपलाइन का पार्ट एंड ये मुझे मेटल टॉम मिला है। गाइस मेरे पास अभी ऑक्सीजन सिलेंडर है तो अभी हम इजीली वहाँ पर नीचे जा सकते हैं, बस मुझे डर है पफर फिशेस का क्योंकि वहाँ पे 2-3 पफर फिशेस घूम रही थी। गाइस एक और पफर फिश है, सबसे पहले इसको निपटाना पड़ेगा। अभी तू फूटेगी तो भी चलेगा, लेकिन मरेगी तो ही अच्छा है। ओके मर गई नाइस। सबसे पहले ना मैं सारी की सारी मछलियों को मारूंगा एंड देन ही मैं ऊपर जाऊंगा, क्योंकि भाई रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि भाई पता चले मैं नीचे गया और मेरा दम घुट के ना मैं वहीं पे मर सकता हूँ। सबसे पहले सांस फुल कर ले, हैवी गो नाइस। अभी फिर से एक बार फास्ट चलते हैं। यार मुझे ना फ्लिपर्स भी बना के लेके आने चाहिए यार, कितने सारे फिशेज है यहाँ पे, एक और पफर फिश है यार। सबसे पहले मेरे को इनको मारना पड़ेगा, इनको कुछ भी करके मारना ही पड़ेगा। मर जाओ सर प्लीज। गाइज ये बहुत नीचे तक जा रहा है, जल्दी भाई जल्दी से नीचे चल ले, वहाँ पे भी एक पफर फिश घूम रही है भाई, कितनी है ये। ओ एम जी कम ऑन। ओ वेट, अरे भाई नीचे एक सेकेंड, यहाँ पे आई थिंक मैं सांस ले सकता हूँ। प्लीज जल्दी नीचे भाई। ओ भाई आ गया यहाँ पे मैं, बट यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट कहाँ पे है भाई, ये बहुत गहरा है। निकलो भाई, तुम लोग निकलो सबसे पहले इधर से, दूसरे और दो आ रही है। नो ओके फट गई, कोई बात नहीं भाई, जल्दी से वह बहुत नीचे चल ले भाई, ये बहुत नीचे तक रास्ता जा रहा है। गाइज प्लीज मरना नहीं है मुझे, भाई। गाइज नीचे भी और दो पफर फिशेस है, बट आई डोंट केयर, जल्दी नीचे। ओह फाइनली, बट यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट, ओ गाइज मिल गया, नाइस एक और जिप लाइन का पार्ट गाइज हमारे पास आ चुका है एंड मुझे एक की भी मिली है, वाओ। एंड एक और नया ब्लू प्रिंट है, मेटल डिटेक्टर। ओके तो गाइज अभी मैं मेटल डिटेक्टर बना सकता हूँ जिससे मुझे आई थिंक मेटल मिलेंगे जमीन के नीचे वाले। ओके तो अभी यहाँ से जल्दी से ना मैं निकल लेता हूँ भाई, बट बाहर 2-3 पफर फिशेस घूम रही है, डर लग रहा है मुझे। सबसे पहले खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं एंड देन जल्दी से निकल लेते हैं। तो आई थिंक अभी तक मैंने ना सारे के सारे पार्ट्स फाइंड कर लिए एंड गाइज लेट्स गो, जल्दी रुकना कहीं पर भी नहीं है, सीधा ऊपर निकल ले, सीधा ऊपर निकल ले। ओह भाई फाइनली मैं ऊपर आ गया, वेरी गुड। एंड जिप लाइन इस तरफ है, अरे अटक गया मैं यहाँ पे, हाँ लेट्स गो गाइज। आई थिंक मैंने सारे के सारे पार्ट्स कलेक्ट कर लिए है और अभी हम इस जिप लाइन को चालू कर सकते हैं ऐसा लग रहा है मुझे। जंप। ओके फाइनली आई थिंक सारे के सारे पार्ट्स कलेक्ट हो चुके हैं और अभी बस मुझे यहाँ पे जाके इनको लगाना है। कहाँ पे भाई अंदर जाने का रास्ता, यहाँ से, हाँ लेट्स गो गाइज। Yes, guys, finally, ये कंप्लीट हो गया और अभी मुझे एक zipline टूल मिला है। Okay, इसको यूज कैसे करना है, कहाँ पे यूज करना होता है, हेलो। इस टूल को यूज करके मैं वहाँ पे जा सकता हूँ एंड वहाँ पे आई थिंक मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन मैं zipline टूल को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मुझे अपने आर्मर पे लगाना है ये? ओके तो मुझे अपने आर्मर पे इस चीज को लगाना है एंड गाइज देखो
यस देखा मैंने, अरे अरे नीचे नीचे नीचे, हाँ नाइस, अबे रुक जा रुक जा, हाँ स्पेस टू जंप, ओके तो जिपलाइन टूल यूज करने के लिए मुझे इसको यहाँ पे रखना होता है, ओके नाइस गाइज, जिपलाइन टूल का यूज करके यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे वो एक हैट मिली है, नाइस, तो ये टोपी हटा के मैं यहाँ पे हैट पहन सकता हूँ। रिक्वायर्स वन चेस्ट की, मेरे पास की तो थी भाई, पता नहीं ये ओपन नहीं हो रहा है, आई थिंक मुझे की फाइंड करनी पड़ेगी। रिक्वायर्स थ्री बैटरी चार्जर पार्ट्स, तीन बैटरी पार्ट्स चाहिए मुझे एंड एक की को फाइंड करना है, एक और बैटरी चार्जर हमको फाइंड करना है यार, कहाँ पे मिलेगा, ओ वेट यहाँ पे एक चार्जर है, नाइस गाइज फाइनली आई थिंक सारे के सारे बैटरी चार्जर जो है जो पार्ट्स है वो मुझे आई थिंक मिल चुके हैं, और यहाँ से मैं भी अभी हम उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स गो, फिर से एक बार चलते हैं भाई, कहाँ पे जाना था यार, एक तो ये जगह पूरी ना भूल भुलैया जैसी है, हाँ इस तरफ जाना है, तो आई थिंक अभी हम उस चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं, वहाँ से मैं भी चार्जर मिलेगा हमको। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, यहाँ पे तो ये हो चुका है, यार इसके अंदर नहीं भाई, इसके ऊपर जाना है, ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से, हाँ लेट्स गो, अभी बस हमको यहाँ से इधर जाने का है मेयर के पास, एंड हो गया, अभी मेरे पास बैटरी पार्ट्स है तीनों के तीनों आ गए, प्लीज़ भाई क्राफ्ट होगा प्लीज़, यस ओके, तो अभी हमारे पास एक बैटरी चार्जर भी आ चुका है जिसको हम क्राफ्ट कर सकते हैं, मतलब इसकी ब्लूप्रिंट आ चुकी है, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको फेंक देते हैं। एंड इसकी की अभी तक यार मेजर चेस्ट की नहीं मिली है, ये कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मतलब कहीं पे इन्होंने रखी है क्या, अभी तक तो नहीं मिली है भाई मुझे, ये की को कहाँ पे फाइंड करना है, की आई थिंक यहीं पे कहीं पे होगी, मुझे बस देखना पड़ेगा, अभी तक मैं इस तरफ नहीं गया हूँ, मे बी इधर मुझे वो की मिल सकती है, तो अभी सबसे पहले पानी पी लेते हैं, या इधर ही किधर डेफिनेटली वो की होने वाली, हाँ गाइस यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ तो है, इन्फर्मेरी, पता नहीं क्या है, वहाँ पे जाके देखते हैं, हेलो, ओ यहाँ पे पी गए, ओ एम जी गाइज मुझे लगा ही था यहाँ पे कोई ना कोई खतरा होने वाला है, मर गया, मर जा प्लीज, अरे बाकी है, मर जा, आउच, ओ मर गया, ओ भाई बहुत सारे पिग है, आर यू सीरियस मैन, गाइज यहाँ पे बहुत सारे पिग है, और आई थिंक यही पिग इस की रखवाली करते हैं, ये भाग भी रहे यार, अरे भाग क्यों रहे हो, इधर आओ, मर गया फाइनली, अभी सबका जल्दी से स्किन निकाल लेते हैं, अभी नीचे मत गिर नीचे, अरे गधा कहीं का वो नीचे गिर गया, अभी इस इनको मैं ना बाद में स्किन कर लेता हूँ, सबसे पहले मुझे उस की की ज़रूरत है। हेलो जी, की कहाँ पे मिलेगी, ये क्या है, ओके हीलिंग स्लेव मिला मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, नाइस, और थोड़ा सा है, ओ भाई यहाँ पे ये भी चीज़ें मिलती है, अभी इसके ऊपर यहाँ से चलते ऊपर, ओपन, और थोड़ा सा पार्ट मिल गया, एक चेस्ट है, ओ काफ़ी सारी लूट मिली है गाइज, एंड ओ गाइज फाइनली चेस्ट की मिल चुकी है, एंड एक और नोट है, वेरी गुड, तो अभी हम उस चेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एंड यहाँ पे और थोड़ा सा हीलिंग ये मिला है, बाई वेरी नाइस, प्लास्टिक है थोड़ा सा दे दो, लेट्स गो, हमको की मिल चुकी है, और अभी जल्दी से इस की को वहाँ पे लगाते हैं, और उससे क्या मिलने वाला है पता नहीं, ओपन, ओके एक ब्लूप्रिंट मिला है, इंजन कंट्रोल्स, ओके तो अभी हम इंजन को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, एंड एक नोट है, फाइनली गाइज हमने सारी की सारी चीज़ें फाइंड कर ली है इस कैरानोवा आइलैंड से, एंड अभी यहाँ से निकलने का समय आ चुका है इस जिपलाइन से, हाँ एक सेकेंड यहाँ पे भी एक बक्सा है, हेलो जी, इसके अंदर से को भाई काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई हैं, यहाँ पे भी एक जिप लाइन है, ये कहाँ पे जाती है, फाइनली गाइज हमने इस पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर कर लिया, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया, एंड अभी हमको भाई बहुत सारी नई नई चीज़ें मिली है, बट अभी यहाँ से निकलने का समय आ चुका है, हवा इस तरह बह रही है, तो अभी हम जिप लाइन टूल बना सकते हैं, एक जिप लाइन है ये भी बना सकते हैं, मेटल डिटेक्टर है और फायरवर्क्स है, तो अभी हमको ये सारी नई नई चीज़ें मिली है, और अभी इनकी मदद से अभी हम इंजन कंट्रोल्स बना सकते हैं, बैटरी चार्जर बना सकते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, एंड मिलते हैं राफ के नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय।